नमस्कार। आज मैं बनाऊंगी एक स्नैक रेसिपी, साबूदाना बड़ा। इस साबूदाना बड़ा के बनाने के लिए मैंने यहाँ पे साबूदाना को धो के 4-5 घंटे भिगो के रखा था, फिर पानी निचोड़ के ले लिया। एक कटोरी साबूदाना है यहाँ पे, और एक बॉयल्ड आलू मैंने मैश करके रखा है, ये ले लिया है। यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स, अदरक थोड़ा सा पेस्ट किया हुआ है, थोड़ी सी अदरक है। यहाँ पे 1/2 स्पून मिर्च, कुटा हुआ मिर्च है। यहाँ पे है चाट मसाला 1/2 स्पून, स्वाद अनुसार काला नमक लिया है मैंने यहाँ पे, कुछ कड़ी पत्ता है यहाँ पे, और एक हरी मिर्च कटा हुआ। अब मैं साबूदाना में ये जो आलू मैश किए हुए हैं इसको मिक्स करूँगी। और साथ में मैं ये सारे मसाला भी डाल दूंगी। ये है कुटा हुआ मिर्च, चाट मसाला पाउडर, काला नमक, यहाँ पे है हरी मिर्च, हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डालना, और अदरक के पेस्ट। इसमें आप प्याज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैं प्याज नहीं डालूंगी। इन सब चीज़ को अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और ये कड़ी पत्ता। अब मैं यहाँ पे ब्रेड क्रम्स मिक्स करूंगी, लेकिन जितना ज़रूरत होगी उतना ही मिक्स करूंगी। अच्छा, और एक बार ब्रेड क्रम्स की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी यूज़ कर सकते हो। मिक्स कर लेती हूँ मैं अच्छे से। ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है, ब्रेड क्रम्स इतना सा बच गया है मेरा, पूरा यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसकी शेप दे देती हूँ। तेल रख दिया, तेल भी गर्म हो रहे हैं। ये आप कोई भी शेप दे सकते हो। मैं कुछ बना लेती हूँ पहले, फिर मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। ये मैंने कुछ बना लिया है, और तेल गर्म हो गई है मेरी। अब मैं ये शब्स डाल रही हूँ। तेल अभी मीडियम फ्लेम पे है। अब ये इसको होने देती हूँ, और ये सारे बना देती हूँ। एक साइड हो चुका है। अब मैं इसको पलट देती हूँ। मैं इसको डीप फ्राई होने दूंगी। डीप फ्राई होने तक इसको ऐसे ही छोड़ूंगी। देखिए ये कलर हो चुका है अच्छे से गोल्डन। अब मैं इनको उठा देती हूँ। टिश्यू में निकाल लिया मैंने, क्योंकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए।
अब मैं ये सारे जो है इनको भी फ्राई कर लेती हूँ। सारे बड़ा मेरे रेडी हो गए। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ तेल से और गैस बंद कर देती हूँ। मैं प्लेटिंग कर लेती हूँ। लीजिए, तैयार हो गए साबूदाना वड़ा। और इसको एक बार ट्राई करके देखना। इसको मैंने आज पुदीने की चटनी के साथ सर्व किया है। ट्राई करके देखना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।